Hello students, welcome to our channel K2S Career Zone. I am Dr. Bindiya Narang और हम कर रहे हैं 10+1 Biology का chapter Digestion and Absorption. आज हम करेंगे Absorption of Food. इससे पहले हम Digestion of Food कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि glucose जो है उनका जो simplest form है carbohydrates का, amino acids जो है वो simplest form है proteins का, और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हैं सिंपलेस्ट फॉर्म फैट्स का. यानी कि हम जो भी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ग्लूकोज. और जो भी हम प्रोटीन खाते हैं वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, द सिंपलेस्ट फॉर्म. और जो भी हम फैट खाते हैं वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है. अब ये जो फूड डाइजेस्ट हो गया है, जो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल बने हैं, इन सब का क्या होता है? इन सब की होती है एब्जॉर्प्शन. ये फूड अब एब्जॉर्ब होता है. एब्जॉर्ब होने का मतलब कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है डोडिनम, उसके अंदर फूड डाइजेस्ट हो गया. उसके बाद वो कहाँ जाएगा? डोडिनम, जेजुनम और इलियम. जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके बाकी के दोनों पार्ट्स, जेजुनम और इलियम में जाकर ये फूड एब्जॉर्ब होगा. एब्जॉर्ब होना हम सेंस लेते हैं मीन्स कि ये जो सारा फूड है ये सारा उसकी वॉल के अंदर जो है, उसके सेल्स जो हैं उनके अंदर पहुंच जाएगा थ्रू ऑफ कोर्स ब्लड. ब्लड के थ्रू ये सारा फूड जो है इलियम की वॉल के अंदर, उसके सेल्स के अंदर पहुंच जाएगा. इस चीज को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन. कैसे होती है ये एब्जॉर्प्शन? द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द डाइजेशन, स्मॉल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स यानी कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल जो कि डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट बने हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के किसी भी पार्ट में एब्जॉर्ब हो सकते हैं. यानी कि उसकी वॉल के सेल्स के अंदर, ब्लड के अंदर पहुंच सकते हैं. स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, सर्टेन मेडिसन्स लाइक पोलियो ड्रॉप्स, अल्कोहल, कॉमन सॉल्ट मे बी एब्जॉर्ब थ्रू द लाइनिंग ऑफ स्टमक. वैसे तो हम देखें तो जो एब्जॉर्प्शन है फूड की वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का भी स्पेशली कौन सा पार्ट? इलियम. लेकिन कुछ चीजें जैसे कि ग्लूकोज, सारा नहीं, कुछ एक पार्ट जो है ग्लूकोज का, वो मेडिसिंस जैसे कि पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं, अल्कोहल यानी कि शराब, और कॉमन सॉल्ट जो हम नमक खाते हैं वो हमारी स्टमक की लाइनिंग में ही एब्जॉर्ब हो जाता है. यानी कि स्टमक की लाइनिंग में जो ब्लड वेसल्स हैं उनके ब्लड के अंदर पहुंच जाता है. बाकी के फूड का कैसे होता है? इलियम के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है. कैसे होता है? और इलियम के अंदर ये एब्जॉर्प्शन क्यों होता है? क्योंकि इलियम में कुछ मॉडिफिकेशंस हैं. क्यों नहीं ये फूड डोडिनम में जो डाइजेस्ट हुआ डोडिनम में ही एब्जॉर्ब हो जाए, जेजुनम में ही एब्जॉर्ब हो जाए, इलियम में आकर ही क्यों एब्जॉर्ब होता है? इसका कारण ये है कि एक तो हमने पढ़ा था कि इलियम जो है लॉन्गेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का. इट इज अबाउट 7 मीटर लॉन्ग हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जिसकी आप ये देख सकते हैं कि 6 मीटर 7 में से जो है वो इलियम ही है. और एक थिक ट्यूब है, 2.5 सेंटीमीटर थिक है ये ट्यूब. अब क्योंकि ये इसकी लेंथ ज़्यादा है, और जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उसमें से उतनी ही ज़्यादा देर के लिए फूड गुजरेगा. यानी कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल ज़्यादा लंबे टाइम के लिए इलियम के अंदर आएंगे तो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब हो सकते हैं. इसीलिए इलियम जो है मेन साइट है एब्जॉर्प्शन का. लाइनिंग ऑफ द इलियम, जिसके अंदर हमने पढ़े कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिनको हमने नाम दिया था विलाए, और विलाए जिनके ऊपर और छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, माइक्रो विलाए. अब इनका फायदा क्या है? जो ये विलाए हैं ये सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं. एक तो इलियम पहले से खुद ही लंबा है, यानी कि ज़्यादा देर के लिए जो स्मॉलेस्ट फॉर्म का फूड है वो उसमें से होकर गुजरेगा. दूसरा उसमें विलाई भी हैं, यानी कि सरफेस एरिया बढ़ गया, अब और लंबे टाइम के लिए फूड उसके अंदर जो है वो उसमें से क्रॉस करेगा, तो मतलब उस फूड को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ब्लड के अंदर पहुंचाया जा सकता है. यही काम जो है माइक्रोविलाई भी करते हैं. अब हम विलाई देखें तो विलाई के स्ट्रक्चर के अंदर हमें मिलती हैं ब्लड वेसल्स या कैपिलरीज और लिम्फ वेसल्स, जिनको हम बोलते हैं लैक्टियल्स. तो जो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स हैं वो तो कैपिलरीज के अंदर चले जाते हैं, लेकिन जो फैटी एसिड ग्लिसरॉल हैं वो कहाँ जाते हैं? वो लैक्टियल्स के अंदर जाते हैं. मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से बता रही हूँ कि फैट अपने आप में एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है जिसको डाइजेस्ट करने में भी टाइम लगता है,
और आफ्टर डाइजेशन फैट जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अभी भी ये फैटी एसिड ग्लिसरॉल डायरेक्टली ब्लड में जाने के लायक नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। इसीलिए पहले ये किसके अंदर जाते हैं, लिम्फ वेसल्स के अंदर, जिनको हम बोलते हैं लैक्टियल्स। जैसे छोटी छोटी पतली पतली वेसल्स जो है ब्लड जो कैरी करती है वो कैपिलरीज है, ऐसी छोटी छोटी वेसल्स जो कि लिम्फ कैरी कर रही है वो क्या है, लैक्टियल्स। इसके अलावा विलाई की जो लाइनिंग है वो बहुत ही थिन है, इतनी पतली है कि ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स आसानी से उसके अंदर से क्रॉस करके ब्लड के अंदर एंटर कर सकते हैं। एक और जो है मॉडिफिकेशन है इलियम की, माइक्रोविलाई, जो सरफेस एरिया को कई गुना ज़्यादा जो है वो बढ़ा देती है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फूड जो है जो एब्सॉर्ब हो सकता है। अब क्या होता है, जितना भी डाइजेस्टिड फूड है यानी कि ग्लूकोज अमीनो एसिड्स फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल, दे पास थ्रू द सेल्स ऑफ विलाई, विलाई के सेल्स में से पास करते हैं। और इस पास करने से क्या होता है कि उसमें से जितने भी मोनोसैकेराइड्स यानी कि छोटे छोटे शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो ग्लूकोज ना भी हो, उससे एक पहले की फॉर्म अमीनो एसिड्स हैं, वो सब पैसिवली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। पैसिवली मतलब कोई भी एनर्जी नहीं खर्च करनी पड़ती। इसका मतलब ये है कि विलाई के अंदर ग्लूकोज अमीनो एसिड्स या मोनोसैकेराइड्स की अमाउंट ज़्यादा है और ब्लड के अंदर कम है, तो अपने आप कोई भी चीज़ कहाँ पर ट्रैवल करती है, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन कहाँ है, विलाई के अंदर, लोअर कंसंट्रेशन कहाँ है, ब्लड के अंदर। तो अपने आप सारी चीज़ें कहाँ पहुँच गई, ब्लड के अंदर। एक्टिवली भी ये काम हो सकता है, एक्टिवली मतलब एनर्जी खर्च कर, चाहे ब्लड के अंदर ये चीज़ें ज़्यादा हैं फिर भी विलाई में भी पड़ी है, तो बची हुई विलाई से भी ब्लड के अंदर अगर हम ट्रांसफर करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, एटीपी खर्च करके। बिल्कुल वैसे ही एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट ऐसे ही है, जैसे आप अपने घर की छत पर आपके जो है एक टैंक बना होता है, वाटर टैंक होता है, अगर आप चाहें तो उसमें नीचे खड़े होकर पानी डालना चाहें, इज इट पॉसिबल, पॉसिबल है, लेकिन कैसे, जब आप एक मोटर लगाते हैं। मोटर एक्चुअली क्या करती है, ग्राउंड वाटर को खींचकर वो आपके घर की छत पर जो टैंक है उस तक पहुंचा देती है, राइट। अब अगर आप छत पर खड़े हैं और चाहते हैं कि हम नीचे को पानी जो है भेज दें, तो आप आसानी से भेज सकते हैं, आप पानी फेंकेंगे पानी नीचे आएगा और नीचे आप किसी भी चीज़ में उसको भर सकते हैं। दिस इज पैसिव डिफ्यूज़र, कोई भी चीज़ पैसिवली अपने आप चली जाएगी। पानी ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है, आप अपने आप ऊपर से नीचे भेज सकते हो, हायर से लोअर कोई भी चीज़ अपने आप आ सकती है, लेकिन लोअर टू हायर नहीं जा सकती। मतलब आप घर के ग्राउंड फ्लोर पर खड़े होकर छत पर टैंक में पानी उछाल उछाल कर नहीं भर सकते। उसके लिए आपको क्या चाहिए होगी, एक मोटर, मोटर मीन्स एक एनर्जी, और हमारी बॉडी में वो एनर्जी क्या है, एटीपी। हमारी बॉडी की एनर्जी क्या है, एटीपी। तो हम एटीपी खर्च कर हम ब्लड कैपिलरीज में इस फूड को पहुँचा सकते हैं। ये सारा जो प्रोसेस है एक्टिव और पैसिव, ये किस पे अप्लाई होता है, ओनली टू द ग्लूकोज मोनोसैकेराइड्स एंड इम्यूनो एसिड्स। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को क्रॉस करवाना ब्लड तक पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए ही भटूरे पूरियां समोसे और जितनी भी फ्राइड चीज़ें हैं वो हमें देर से डाइजेस्ट होती हैं। देखते हैं कैसे। फैटी एसिड जो हैं वो सबसे पहले जो है विलाई के जो बाहर की लेयर है एपिथेलियल सेल्स उसमें जो है एंटर करती है, उसके बाद वहाँ से वो ब्लड में नहीं जाती, ब्लड से पहले वो किस में जाती है, लिम्फ वेसल्स, जिनको हमने क्या नाम दिया है, लैक्टियल्स। बहुत छोटी और बारीक लिम्फ वेसल्स, लैक्टियल्स, वो पहले लैक्टियल्स में जाता है। लिम्फ वेसल्स के अंदर जाकर, लैक्टियल्स के अंदर जाकर फिर ये एंटर होता है इनटू ब्लड स्ट्रीम, यानी कि एक बीच में जो है एक स्टेप और आ गया। जो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड है वो तो डायरेक्टली कैपिलरीज के अंदर जा रहे हैं यानी कि डायरेक्टली ब्लड के अंदर जा रहे हैं, लेकिन फैटी एसिड्स का क्या, वो पहले लैक्टियल्स में जा रहे हैं फिर ब्लड स्ट्रीम में जा रहे हैं, तो लग गया ना ज़्यादा टाइम उनको डाइजेस्ट करने में और एब्जॉर्ब करने में। तो अगर हम अलग अलग से देखें तो शुगर्स की, अमाइनो एसिड्स की, मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, पैसिव डिफ्यूजन या सिंपल डिफ्यूजन, यानी कि फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन क्या क्या चला जाता है, ग्लूकोज अमीनो एसिड्स, ये सब आसानी से अपने आप चले जाते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में वी डोंट नीड एनी एनर्जी, कोई एनर्जी नहीं लगती, ये प्रोसेस अपने आप हो जाता है। दूसरी तरह जो
तरीका है फूड को एब्जॉर्ब करने का, दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटी क्या होती है? एक सहूलियत। डिफ्यूजन यानी कि मूव करना। अब फूड को हमने मूव करना है, वो अपने आप नहीं हो रहा, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर टू लोअर कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, हम लोअर टू हायर पहुंचाना चाहते हैं। और क्या हो रहा है कि रास्ते में मेम्ब्रेन है, ब्लड जो है वेसल्स के अंदर फ्लो कर रहा है, हमने फूड कहाँ पहुंचाना है? ब्लड के अंदर। अब ब्लड वेसल्स की तो वॉल है और वो वॉल उस चीज़ को आने ही नहीं दे रही है, जैसे कि फ्रक्टोज और मैनोज, इनको जो है थोड़ी बड़ी सारी शुगर्स हैं तो ब्लड वेसल अपने अंदर एंटर ही नहीं करने दे रही। तो उस केस में क्या होगा कि हम एक करियर मॉलिक्यूल को यूज करेंगे जिसके थ्रू वो जो सब्सटेंसेस हैं वो ब्लड वेसल के अंदर एंटर करेंगे। इसको आप इस तरह से एग्जांपल लीजिए कि जैसे कोई मेला लगता है, ठीक है, ऐसे ही मेला लगा हुआ है, कहीं भी आप जा रहे हैं, कोई आपका वहाँ पे पास नहीं पूछ रहा, कोई नहीं पूछ रहा आपने टिकट ली नहीं ली, ओपन टू ऑल है, फ्री टू ऑल है, ओपन टू ऑल है, कोई मर्जी आ जा सकता है। अब बाहर लोग ज़्यादा हैं, मेले के अंदर लोग कम हैं, तो लोग अपने आप मेले के अंदर जा रहे हैं, तो ये क्या हो गई? पैसिव डिफ्यूजन। वही, इसमें खर्चा नहीं हो रहा, अपने आप जा रहे हैं, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। दूसरा क्या हो गया कि आप एक ऐसी पार्टी में जा रहे हैं जहां पर सिर्फ इनविटेशन कार्ड से ही आपकी एंट्री हो सकती है, कोई भी नहीं जा सकता उसके अंदर। ऐसे ही अगर आप गेट पे कोई चीज़ दिखाएंगे, अपनी पास दिखाएंगे, कोई कार्ड दिखाएंगे, तो ही आप एंटर कर सकते हैं। तो ये क्या होगी, आपने फैसिलिटी ले ली, उस इनविटेशन कार्ड की आपने फैसिलिटी ले ली। तो यहाँ पर अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें तो मॉलिक्यूल्स किस चीज़ की फैसिलिटी ले रहे हैं? यहाँ पर मॉलिक्यूल्स जो है वो फैसिलिटी ले रहे हैं एक करियर मॉलिक्यूल की। ये मॉलिक्यूल कोई प्रोटीन भी हो सकता है, कैल्शियम भी हो सकता है, कोई भी चीज़ें हो सकती हैं। तो वो करियर मॉलिक्यूल में से जाएंगे और जो वॉल है पूरी उसमें से कहीं नहीं जा सकते, जहां जहां करियर मॉलिक्यूल लगा है उस जगह से वो एंटर कर सकते हैं। सो दिस इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसके अंदर भी कोई एनर्जी की जरूरत नहीं हो सकती है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या होती है? अब आपको पैसे खर्च करने हैं, आप जैसे मूवी देखने जाते हैं सिनेमा हॉल में, मल्टीप्लेक्स में, तो क्या आपको पहले हैवी अमाउंट पे करनी पड़ती है, आपको टिकट लेनी पड़ती है, यानी कि खर्च करना पड़ता है। और बॉडी के अंदर हम खर्च क्या कर रहे हैं? दैट इज एनर्जी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब ये जो एब्जॉर्प्शन है ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, यानी कि विलाई के अंदर सारा सामान जो है पहले से ही, या ब्लड के अंदर जो है सारा जो ग्लूकोज और ये सब सामान जो है वो पहले से अंदर प्रेजेंट है, फिर भी विलाई कहता है कि मेरे से और ले लो। ठीक है, विलाई के अंदर कंसंट्रेशन चाहे कम है, ब्लड के अंदर ज्यादा है, फिर भी विलाई से ब्लड के अंदर सारा कुछ जा रहा है, तो कहां से जा रहा है? फ्रॉम द रीजन ऑफ लो टू हायर कंसंट्रेशन। हायर टू लोअर तो अपने आप ही चला जाता है, लो टू हाई भेजने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एटीपी खर्च करनी पड़ेगी, सोडियम आयंस, ग्लूकोज और गैलेक्टोज और अमाइनो एसिड्स, ये सब जो है इनका फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है और एक्टिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू ये एब्जॉर्ब होते हैं। अब अमीनो एसिड्स और ग्लूकोज फिर भी छोटे मॉलिक्यूल्स थे, एक्टिव फैसिलिटेटेड या पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू ये चले जाते हैं, लेकिन फैट्स का क्या? एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट इज द टफेस्ट पार्ट। फैटी एसिड्स जो हैं, जो कि लैक्टियल्स के अंदर गए थे, उसके बाद जो है वो ब्लड वेसल के अंदर जाएंगे, डायरेक्टली ब्लड के अंदर नहीं जाते हैं, तो लिम्फ वेसल्स के अंदर, लैक्टियल्स के अंदर जाने के बाद इनके साथ क्या होता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो हैं वो छोटे छोटे स्मॉल स्फेरिकल शेप के वाटर सॉल्यूबल ड्रॉपलेट्स में बदल जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं मिसल्स। ये जो मिसल्स हैं ये क्या करते हैं? ये एक छोटे छोटे, हम देखें जैसे जैसे ड्रॉप होते हैं, जैसे कि आप देखें कि हम किसी चीज़ को तोड़ दें और छोटे छोटे से उसको जो है बॉल्स बना दें स्फेरिकल शेप के, तो यही काम फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के साथ होता है। उनको छोटे छोटे स्फेरिकल शेप के बॉल्स में बदल दिया जाता है, लेकिन ये बॉल्स क्या हैं? दे आर वाटर सॉल्यूबल। और ये सब होता कैसे है? ये सब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ बाइल जूस, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, यानी कि फैट्स को छोटे छोटे मिसल्स नाम के ड्रॉपलेट्स में बदल देना। अब ये मिसल्स जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं फैटी एसिड्स के, ये क्या करते हैं? फैट सॉल्यूबल विटामिन और स्टेरॉल्स जो भी फूड के अंदर थे, ये सब भी इंटेस्टाइन के अंदर इसके साथ एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अगर हम देखें तो फ्री फैटी एसिड्स जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं इंटू ट्राइग्लिसराइड्स,
अब जो तो चले गए तो ठीक है, जो रह गए उन फैटी एसिड्स का क्या? फैटी एसिड्स जो तो मिसल्स बन गए वो तो आगे जाकर ब्लड में चले जाएंगे, लेकिन कुछ फ्री फैटी एसिड्स होते हैं जो नहीं जा सकते, अब उनकी प्रोसेसिंग होती है। जैसे कोई भी रॉ मटेरियल से एक जो इंडस्ट्री है वो एक प्रोडक्ट बना देती है, आटे से बिस्किट बना देते हैं, ब्रेड बना देते हैं, ऐसे ही फैटी एसिड्स की भी प्रोसेसिंग होती है। फैटी एसिड्स को पहले जो है कन्वर्ट किया जाता है इनटू ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स कैसे बनते हैं, आप ये डायग्राम में देखिए, ये फैटी एसिड्स हैं, ये बाइल सॉल्ट है, इसके साथ कंबाइन करके फैटी एसिड्स को किसमें बदल दिया गया, मिसल्स के अंदर। मिसल्स जो है लैक्टियल्स के अंदर जाकर इनके साथ क्या होता है, ये पहले बदलते हैं इनटू ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स के साथ अब क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं उनके ऊपर अब प्रोटीन की कोटिंग हो जाती है। ये ट्राइग्लिसराइड्स पड़े हैं, इनके ऊपर प्रोटीन एक कवर कर देता है, जैसे आप गिफ्ट को रैप करते हैं रैपिंग पेपर से, कलरफुल पेपर से, ऐसे ही ट्राइग्लिसराइड्स के ऊपर प्रोटीन की एक कवरिंग चढ़ा दी जाती है, जिसको अब हम बोलते हैं लाइपोप्रोटीन ड्रॉपलेट। और ये इनको पर्टिकुलरली हमने नाम दिया है काइलोमाइक्रॉन्स। अब ये जो काइलोमाइक्रॉन्स हैं ये लैक्टियल्स के अंदर जो है प्रेजेंट है, एब्जॉर्ब्ड है, और लैक्टियल्स से ये कहाँ जाती हैं, थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट। थोरेसिक मतलब हमारे थोरेक्स, हमारे चेस्ट वाली एक बहुत बड़ी डक्ट होती है लिम्फ वाली, थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट। उस डक्ट से ये सारे कहाँ जाते हैं, काइलोमाइक्रॉन्स इनटू लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। अब देखो लिम्फेटिक डक्ट से अब ये वेन यानी कि ब्लड के अंदर पहुंचे हैं, कितनी देर बाद, क्या क्या हुआ इनके साथ रास्ते में, एक बार फिर से डिस्कस करते हैं कि फैटी एसिड्स जो थे वो सबसे पहले उनका क्या हुआ, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को पहले मिसल्स में कन्वर्ट किया गया, कैसे, बाइल जूस ने उनको वाटर सोल्युबल ड्रॉपलेट्स में बदल दिया, जिनको हम क्या बोलते हैं, मिसल्स। फिर क्या हुआ, जो बचे हुए फैटी एसिड्स थे जो मिसल्स वाले, उनका क्या हुआ, उनको ट्राइग्लिसराइड्स में बदल दिया गया। ट्राइग्लिसराइड्स के ऊपर फिर प्रोटीन की पैकिंग हुई और वो क्या बन गए, काइलोमाइक्रॉन्स। सबसे पहले मिसल्स बने, मिसल्स के जो फैट्स थे जो बच गए वो ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हुए, ट्राइग्लिसराइड्स के ऊपर प्रोटीन की कवरिंग आ गई और वो किस में बदल गए, काइलोमाइक्रॉन्स। अब ये काइलोमाइक्रॉन्स जो हैं जो लैक्टियल्स के अंदर प्रेजेंट हैं वो कहाँ जाते हैं, एक बहुत बड़ी लिम्फेटिक डक्ट में, एक बहुत बड़ी ट्यूब के अंदर जो हमारे थोरेक्स यानी कि चेस्ट रीजन में होती है, दैट इज थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट। यहाँ से ये सारा जो भी थे हमारे काइलोमाइक्रॉन्स ये कहाँ पहुँचते हैं, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। सबक्लेवियन यानी कि क्लाविकल बोन के नीचे, क्लाविकल बोन कौन सी होती है, जहाँ पर हमारे कॉलर्स आते हैं, आपकी शर्ट के कॉलर पहुंचते हैं राइट और लेफ्ट, वो बोन होती है क्लाविकल, और उसके नीचे एक वेन होती है, लेफ्ट साइड पे जो वेन है दैट इज लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। और इस तरह से काइलोमाइक्रॉन्स भी ब्लड के अंदर पहुंच जाते हैं। तो देखिए कितना टाइम लग गया फैट्स को डाइजेस्ट होने में। अगर हम ऑर्गन्स वाइज देखें तो माउथ के अंदर क्या एब्जॉर्प्शन हो रही है, माउथ का जो म्यूकोजा है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो कुछ ड्रग्स को, कुछ एक सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब कर रही है। स्टमक के अंदर वाटर और छोटी छोटी शुगर्स और अल्कोहल एब्जॉर्ब हो रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन जिसके अंदर मेन एब्जॉर्प्शन का काम होता है, उसके अंदर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, एमिनो एसिड्स, ये सब एब्जॉर्ब हो रहे हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वाटर, मिनरल्स, ड्रग्स, ये सब एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो इस तरह से होती है ये सारी एब्जॉर्प्शन, जिसमें कि ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स बहुत इजीली, बहुत आसानी से ब्लड के अंदर पहुंच जाते हैं क्योंकि वो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन फैटी एसिड्स को एक लंबा रास्ता अपनाना पड़ता है। पहले उनकी इमल्सिफिकेशन होकर मिसल्स बनते हैं, फिर ट्राइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स के ऊपर प्रोटीन की कवरिंग होकर काइलोमाइक्रॉन्स, और फाइनली काइलोमाइक्रॉन्स जो है लैक्टियल से फिर ब्लड के अंदर एंटर करते हैं। तो इस तरह से होती है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। थैंक यू वेरी मच।